आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, आपके कुल देवी कुल देवता की बातें आती हैं कि हमारे परिवार के, हमारे कुटुंब के कुल देवी कुल देवता कौन हैं। बड़ी दुविधा होती है वहाँ पे, जहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ट्रेडिशनली चली आती हैं अपने पारंपरिक, अपने परिवार के आपके अनुसार। आपके कोई पिता हैं, आपके दादा हैं, आपके परदादा हैं, उनके कहीं आपको कोई चीज़ मिलती चली आ रही है तब तो ठीक है, और अगर किसी को पता नहीं तब फिर बड़ी दुविधा है कि आदमी किसको अपना देवता माने, किसको अपने कुल देवी माने, किसको अपने कुल देवता माने। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे बहुत सारे योग मिलते हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कुल देवी कुल देवता कौन है आपके। आप देखिए, एक लिंक आपको दिखाई देगा, मैंने भी इसका एक वीडियो भी दिया था। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, मगर वो एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि उसमें आदमी हर एक को जाना नहीं चाहेगा। आदमी चाहता है सहजता, तो मैंने इसके उपाय भी दिए, मैंने इसके टोटके भी दिए, है ना। इसका टोटका भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, कि आप बता दूंगा आपको कि ये आप अगर टोटका करते हैं तो आपको आभास होने लगेगा कि कौन आपके कुल देवी हैं, कौन आपके कुल देवता हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, बहुत सारे लोगों ने तो भ्रम डाल दिया, क्योंकि जो परम सत्ता होती है तो परम सत्ता में तो फिर लिंग भेद है ही नहीं वहाँ पे, है ना। वहाँ तो वही देवता है, वही देवी है, यानी कि देवी ही पुल्लिंग है और वही स्त्रीलिंग है। तो बड़ा एक, खैर एक बिल्कुल अलग विषय, उस पर कभी मैं अलग से चर्चा करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा वाला आपके लिए, कि देवता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वेट कीजिए, बहुत जल्दी इसका वीडियो मैं प्रभु ने चाहा तो दूंगा। इसमें क्या है, देखिए, मैंने लोगों से कहा, पूछा लोगों से, अच्छे लोगों से। अब उसमें क्या है, देखिए, वहाँ भ्रम कहाँ पैदा होता है। आप अगर कृष्ण भक्त के पास जाएंगे, वो राधा कृष्ण का नाम बताएगा कि वही आपकी इष्ट देवी हैं, वही आपकी इष्ट देवता हैं। किसी शिव साधक के पास जाएंगे जिसका शिव आराध्य हैं, तो वो शिव और पार्वती जी को मानेंगे। बाकी आप अगर रामचंद्र जी के कोई भक्त हैं तो राम जी को मानेंगे। तो फिर अलग अलग चीज़ें, और जितने बहुत सारे लोग, कोई अपने देवी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, जहाँ जैसा मिलता चला जाए, फिर आदमी की बुद्धि भ्रमित होने लगेगी। मगर जो एक मैंने देखा कि एक कंक्लूड किया मैंने, तो कंक्लूजन में यही निकला कि तीन ही हैं, चाहे आप शिव पार्वती जी को माने, चाहे आप राधा कृष्ण जी को माने, चाहे आप राम सीता को माने। बाकी अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना विश्वास, मैं बताऊंगा कि किसको माने, कैसे माने। उससे पहले मैं आपको कुछ साक्ष्य बताता हूँ। देखिए, मैंने गीता में भी तलाशा, गीता में टटोला मैंने, हमारे परम एक बाल सखा है मेरी, ये गीता पे इनका बहुत ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं, गीतामय है बिल्कुल ये। मगर इनकी कंडीशन क्या है, ना तो अपना नाम देते हैं, ना अपना पता देते हैं, ना अपना कुछ अपने बारे में बताते हैं। हाँ, इनके चैनल हैं, चैनल ऊपर डिस्प्ले भी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। गीता पाठशाला नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि अगर गीता में जाना है तो इनके ज्ञान का आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं, कि गीता में क्या लिखा। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या कहीं गीता में ऐसा मिलता है कि हम, मान लीजिए, अगर गीता को फॉलो और हम गीता को फॉलो करें, तो फिर उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि वहाँ तो आत्मकल्याण की बात होती है, वहाँ लौकिक बातें नहीं हैं। तो उनका ये क्या कहते हैं, देखिए, फिर इसके बाद में मैं आपको और लोगों को सुनवाता हूँ, और उसके बाद में बताता हूँ कि टोने टोटके क्या हैं, क्या उपाय है जिससे आप अपने देवी अपना देवता आप आभास हो सकता है आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए आप इनके विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता में एक्चुअली इसकी कोई चर्चा नहीं है, स्पेशली कुल देवता और कुल देवी के विषय में। पहले अध्याय के अंदर थोड़ा सा, जब अर्जुन जब पूछ रहे थे, कृष्ण से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कुल के नाश होने से कुल धर्म नाश हो जाएगा। तो वहां पर भी कोई कुल देवी कुल देवता की इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो कुल देवा कुल देवती कुल देवता और कुल देवी होते हैं, ये परंपरा से चलते हैं, वंश परंपरा से चलते हैं। तो इसके ऊपर भगवान की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी का पूजन करने से आत्मा का उद्धार किसी भी प्रकार से नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने इसकी कोई चर्चा नहीं की कि कुल धर्म समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए शायद भगवान ने इस बारे में चर्चा नहीं की आगे। तो 40th श्लोक में अर्जुन ने पहले अध्याय के ये बात की थी कि कुल के नाश होने से कुल धर्म नाश हो जाते हैं,
और धर्म के नाश होने से कुल के अंदर पाप बढ़ जाएगा, फिर पाप के बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो 40 और 41वें श्लोक में पहले अध्याय के अर्जुन ने ये बात तो कही, लेकिन इस बात का भगवान ने कोई कग्नाइजेंस नहीं लिया, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि बात यहां पर भगवद गीता में आत्मा के उद्धार की हो रही है। दूसरी बात जो ब्रजवासी जी ने बताई, तो जिनके कुलदेवता कुलदेवी नहीं है वो राधा कृष्ण को माने, तो राधा कृष्ण तो सबसे सर्वोपरि चीज है, है ना, वो उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, वो तो हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। प्रत्येक आत्मा के लिए राधा कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। मतलब जब मैं राधा कृष्ण बोल रहा हूं तो उसमें राम सीता भी मानना पड़ेगा, क्योंकि राम में और कृष्ण में कोई प्रकार से किसी प्रकार से अंतर नहीं है। लेकिन जो विष्णु तत्व है वही होने चाहिए बेसिकली। ये नहीं कि कुलदेवता हमारे कोई पीपल के पेड़ पर पीपल के पेड़ को कोई कुल देवता मान रहा है, या इस तरह की कोई देवी की मूर्ति बना ली वहां पर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कुल देवता कुल देवी हैं उनसे आत्मा का उद्धार किसी भी प्रकार संभव हो ही नहीं सकता। और राधा कृष्ण को बनाएंगे कुल देवता तो वो तो वास्तव में कुल देवता क्या है, वो तो सब कुछ ही है, सर्वदेवमय, वो सारे ही देवता उनके अंदर निवास करते हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि गुरु धारण करने की, तो गुरु धारण करना इस कलयुग के अंदर अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन हमको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती डायरेक्ट जब तक कोई बीच में मीडियम नहीं होगा, क्योंकि हमारी शंकाओं का समाधान कौन करेगा। जो जीवंत गुरु हैं, जो महत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने जिनको अनुभव हो चुका है भगवान का, केवल वही हमारी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। कृष्ण से तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं, अभी हम जानते कहां हैं कृष्ण को, थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ लिया, ग्रंथों में पढ़ लिया, उससे कोई जानना नहीं होता। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है, जो सदगुरु हो, जिन्होंने भगवान की अनुभूति हो। तो इसी प्रकार जो है हम लोग मानते हैं कि गुरु साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन कृष्ण नहीं है, कृष्ण जो है भक्ति के विषय हैं और गुरु भक्ति के आश्रय हैं। मतलब भक्ति गुरु के हृदय में रहती है और कृष्ण उस भक्ति का उपभोग करते हैं, तो वो भी भगवान के आश्रय विग्रह कहे गए हैं। गुरु को, जो जीवंत गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनको भगवान आश्रय भगवान कहा गया है, भगवान के प्रकाश स्वरूप हैं, साक्षात भगवान ही है, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन भगवान नहीं है। ये बात भी है, उनको हम भगवान मान के उनकी पूजा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो इस प्रकार से भगवद गीता में इस विषय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, इन्होंने अपना आराध्य जो बताया, कृष्ण राधा बताया। अब एक और ब्रिजवासी जी हमारे, ये भी बड़े ज्ञानी हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड्स, ये प्रेसिडेंट अवार्ड से अपने कामों के लिए नवाजे गए हैं, अपने अपने लेखों के लिए, अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए, अपने कर्मकांड के लिए। ये क्या कह रहे हैं, देखिए इनके सुनिए इनके विषय। महाराज, दर्शन दर्शन गिरिराज जी महाराज कुलदेवता है और हमारी सांचली वाली देवी कुलदेवी है। इस प्रकार से सभी के अलग अलग कुलदेवता कुलदेवी होते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है कुलदेवता और कुलदेवी का जी, तो वो राधा कृष्ण को कुलदेवी और कुलदेवता के रूप में अपने आप प्रतिष्ठित कर सकती हैं जी। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अच्छा, ये बस ये ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी अलग से आप जो है कर सकते हैं जी। कृष्ण को क्या है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। कृष्ण को मतलब अभाज्य सत्ता का नाम कृष्ण है जी। जिनको ज्ञान नहीं है वो कृष्ण और राधा को अपना कुलदेवता कुलदेवी मान सकते हैं। और दूसरी चीज, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वो कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं सबका गुरु हूँ। वसुदेव सुतम देवं कर चारु मधुरम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये कृष्ण आवाज सत्ता का नाम है। एक हमारे अनुराग जी हैं, हमारे परम स्नेही, ये गुरुकुल के ये विद्यार्थी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के अच्छे ज्ञाता हैं, और ये भी मैं इनसे जहाँ होता है तो इनसे सलाह लेता रहता हूँ। इन्होंने बिल्कुल अलग चीज़ बताई, इन्होंने कहा दुर्गा हमारी इष्ट हैं। मैंने बताया ना, जितने लोग देखिए, ये दो मिनट इनका सुन लीजिए ये क्या कहते हैं, फिर मैं आपको अपना बताता हूँ कि किस तरीके से आप कैसे आप इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इस
नमस्कार, जय माता की। आज पुनः एक बार गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से एक श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछा गया है। आज हम जानेंगे कि कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो मंत्र है जिसके करने मात्र से ही भगवत की, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और भला किसको कुल देवी और कुल देवता की कृपा नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में, कौन सा है वो मंत्र। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्षाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात सर्व मंगल मांगल्य, अर्थात माता सब प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली हैं। शिवे सर्वार्षाधिके, शिव साक्षात शिव के समान है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जब वो खुश होती हैं तो हर प्रकार के मंगल, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली हैं। वो ही नारायणी हैं, वो ही विष्णु हैं, वो ही शिवा हैं और वो ही जगत जननी हैं। तो अगर आपके कुल देवता हैं, अगर आपकी कुल देवी हैं, तो केवल इस एक मंत्र के करने मात्र से ही आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप माता से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। देखिए, सुना आपने। अब मैं आपको टोटका बताऊं, उससे पहले मैं एक उपाय बताता हूँ। और ये उपाय मुझे पता चला हमारे, जो अगर मान लीजिए किसी ने सद श्री हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी शांति कुंज वालों का अगर सत साहित्य पढ़ा हो, या उनके आपने कभी प्रवचन सुने हो, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया कि आपको अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट देवी का, इष्ट देवता का आभास हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। देखिए क्या उन्होंने बताया, इसके बाद मैं टोटका बताता हूँ, जो टोटके से भी आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, ये तो मान के चलिए कि जो इष्ट देवी और इष्ट देवता है ना, ये कुटुंब की रक्षा के लिए हैं, एक तरीके से कवच का काम करते हैं। एक तरीके से, एक जैसा होता है ना, आपके घर में एक जैसे कोई निगेटिविटी नहीं आए, घर में कोई अकाल नहीं आए, घर में कोई दुर्भिक्ष नहीं आए, आपके कुटुंब में कोई आँच नहीं आए, इस तरीके से एक ही सुरक्षा कवच बना देते हैं इष्ट देवी और इष्ट देवता, वो फिर रक्षा करते हैं। तो रक्षा किस तरीके से हो घर की, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये पहले मैं श्री रामचंद्र जी हमारे, मेरे इष्ट हैं, मैं उनको बहुत, मेरे परम प्रिय गुरुदेव हैं ये, इनके विषय में बताता हूँ। इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने एक सरल सा उपाय ये बताया। रात्रि काल में जिस समय आप सोने जाते हैं, हाथ मुँह शुद्ध हो जाएं, हाथ मुँह धो लें, थोड़ा सा पैर धो लें, गंदे नहीं हो, सोने जाएं, उससे दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट पहले बैठ जाएं किसी भी मुद्रा में। जैसे मैं तो सहज उसमें बैठा हूँ, ऐसे ही मान लीजिए बैठे हुए, अगर आप सोने से पहले 10-15-20 मिनट पहले, आप 5 मिनट पहले बैठ के ध्यान करें। और ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है, सांसें अपनी अंदर की बाहर धक्का दें, है ना, जो हमारे जो विकार हैं, इस तरीके से सोचिए कि हमारे जो अंतःकरण के विकार हैं वो हमारे बाहर निकल रहे हैं। इस तरह 2-4-5-10 बार करें, ये तो बाहर निकल गया। फिर ब्रह्म रगन में ऐसे सर आप हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे हल्के हल्के रगड़िए, 10-15-20 बार रगड़िए। इस तरीके से आपका जो जो आपका ये जो हमारा अंतः मन है, ये हमारा लिंक हो जाएगा हमारी सुपर नेचुरल चीज़ों से, कहीं ना कहीं रूहानियत की तरफ चला जाएगा। यानी कि हमारे अंतःकरण के विकार हमारे मिट गए, हमारा हमारी जो दिव्यता हमारे अंदर इससे हमारी आ गई। और इसके बाद में फिर देखिए, सोते समय अपनी कल्पना कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए, जिसमें भी आपका मन ठुके, जिसमें आपकी आस्था जगे, वो सबसे बड़ा देव, वो सबसे बड़ा इष्ट, वो सबसे बड़ा गुरु। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, इसने लिख दिया तो अच्छा लगा, उसने लिख दिया तो वो अच्छा लगा, उसको देखा तो वो अच्छा लगा, फिर वो तीसरे ने लिखा तो और अच्छा लगने लगा, पता चला कि फिर करते 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 अल्टीमेटली रिजल्ट एक बहुत बड़ा ज़ीरो। तो अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से इस तरीके से अगर आप चैतन्यता लाते हैं अपने अंदर, और फिर इसके बाद में आप अपना आभास कीजिए इसको, जिसको भी आप मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप दुर्गा को मानते हैं, आप देवियों को मानते हैं, है ना, आप राधा कृष्ण को, जिसको भी मानते हैं उससे प्रार्थना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं, मेरे तो इष्ट राम हैं, मैं तो राम में विश्वास करूंगा, क्योंकि राम में होना एक बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल, है ना। हमारे जो पहले हमारे कृष्ण के जो बताया था उन्होंने, उन्होंने भी कहा कि राम और कृष्ण, है ना, राम और कृष्ण, राम सीता और कृष्ण राधा, वस्तुतः एक ही हैं, एक ही हैं दोनों,
वो फिर अध्यात्म का विषय, मगर इसको किस तरीके से आप, जैसे आपने राम किया, राम को आपने इष्ट माना, ये जो भी आपके अपने इष्ट हैं, है ना, मैं इसमें कोई नहीं, अपना अपनी अंतरात्मा आपकी क्या जवाब देती है, उनका आपने जो आपने क्रिया करी, और उसके बाद में आप बैठ के एक सेकंड, दो सेकंड, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट ध्यान करें, है ना। कोई मंत्र जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप करें, कोई पूजा कर सकते हैं तो पूजा करें, और मन से, अंतरात्मा से आर्तनाद करके कि हे इष्ट देव, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, हमें आभास करा, हमें सपने में, हमें किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में हमें आभास हो जाए कि हमारे इष्ट देवी कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। इस तरीके से आप ये नियम बना लें, और नियम बनाने के बाद में आप करेंगे कि आप महीने, दो महीने, चार, हो सकता है सालों लग जाए, हो सकता है कि 24 घंटे में आपकी आपकी चैतन्यता आ जाए, क्योंकि ये जो रूहानियत है ना, जो अध्यात्म है ना, ये बिल्कुल गीले माचिस की तीली की तरह है। अगर जैसे गीली माचिस होती है ना, आप पुस 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 करते रहते हैं, और अगर सूखी माचिस है तो कट से करा, एक बार में चटाक से जल जाती है। तो वही अगर जो एक बार जल गई, क्लिक हो गई चीज़ें, तो ये आपको अपने आप, आपको जो आपको आभास होने लगेगा, चाहे वो सपने में हो, चाहे वो आभास के रूप में हो, वो जो आपको अंतरात्मा निकलेगी, वो जो आपको दिखाई देगा, वो जो आप दृष्ट होगा आपको, वो लगेगा कि यही मेरे कुलदेवी हैं, यही मेरे कुल देवता हैं। फिर उनको आराध्य मान के उनकी पूजा पाठ, जिस भी विधि से, जिस भी नियम से, या बिना नियम के, जो भी सहजता से, सरलता से आत्मसात कर सकें आप, वो आप उपाय करें। इस तरीके से आपको आपका कुलदेवी कुल देवता मिल गया, और कुलदेवी कुल देवता की आपके घर में रक्षा, एक कवच बना रहेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आया बात टोटके की। एक बड़ा अच्छा सा टोटका मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी सामग्री होती हैं, अगर उनको घर में रखते हैं, निगेटिविटी दूर हो जाती है। अब ये जो है, ये जो कुल देवी और कुल देवता का उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्शन ही तो है ना। घर में निगेटिविटी नहीं आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं हुआ आए, कोई घर में कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं आए, कोई अनवांटेड चीज़ नहीं आए, सुख शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, बरकत रहे, यही हर एक का उद्देश्य होता है। उसके लिए बड़ा अच्छा कि आपके कुलदेवी कुल देवता का आपको उनका आपको आशीर्वाद भी मिलता रहेगा, उनकी कृपा भी मिलती रहेगी आपको, और ये आपका टोटका सरलता से हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, सरल सी बिल्कुल। एक तो इसमें सुपारी चाहिए होगी, साबुत सुपारी, जिसको पान में खाते हैं, काट के खाते हैं ना, पान वाले, जो पान वाले जानते हैं सुपारी, साबुत सुपारी ले लीजिए आप। एक सिक्का ले लीजिए, प्रेफरेबली चांदी का सिक्का हो, और या घर में पूजा के पूजित सिक्के होते हैं, बहुत सारे रखे होते हैं, वो सिक्का ले लीजिए। सुपारी को जो फ्लैट उसका नीचे वाला बेस है उसका, उसको सिक्के पर टिका दीजिए, चाहे तो उसको स्टिक कर दीजिए, किसी एडेसिव से चिपका दीजिए आप, और अगर एडेसिव नहीं लगाना चाहते तो उसमें आप लाल कलावा ले लीजिए, और कलावे से उसको रैप कर दीजिए, है ना, लपेट के, वो ये एक गणपति स्वरूप हो जाता है। चांदी के सिक्के के ऊपर अगर आप सुपारी रख लेते हैं, ये एक अपने में विग्रह हो जाता है। इस विग्रह को अगर आप कहीं अपने स्थापित कर लेते हैं, तो ये निगेटिविटी दूर करने के लिए बड़ा अच्छा उपक्रम है। एक तो ये तरीका, ये चीज़। इसके बाद में तीन रंग के फूल लेने हैं, लाल रंग का फूल लेना है, पीले रंग का फूल लेना है, सफ़ेद रंग का फूल लेना है। प्रेफरेबली लाल गुलाब लीजिए, देसी वाले जो स्मेल वाले होते हैं, चमेली, चंपा, बेला, इनमें से कोई भी फूल मिल जाए ये लीजिए, और पीले कनेर के फूल लीजिए। पीला कनेर नहीं मिलता तो पीले गेंदे का फूल ले लीजिए आप। ये तीन पुष्प आपने ले लिए, ये आपने दो चीज़ें ले ली। एक हल्दी की साबुत गांठ ले लीजिए, ये भी गणपति स्वरूप ही माना जाता है। थोड़े से एक चुटकी चावल ले लीजिए आप, और ये चावल वो लीजिए जो आपको प्रसाद स्वरूप अपने किसी घर के किसी पूजनीय से मिले हों। तो सबसे पूजनीय घर के माता पिता होते हैं, कोई और आपका कोई वृद्ध आपका घर का है, आशीर्वाद स्वरूप एक चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, एक चुटकी आपको चावल, मांग लीजिए उससे कि हमें प्रसाद के रूप में चावल चाहिए, बताइए मत भले ही उसको, माँ है, सबसे अच्छा माँ से एक चुटकी, एक चम्मच चावल ले लीजिए। ये सारी की सारी सामग्री एक लाल रंग के कपड़े में रख लीजिए आप, और रखने के बाद में इसकी पोटली बना लीजिए, उसको बांध दीजिए धागे से अच्छी तरीके से। ये पोटली, अब इसको रखने का विधान है कि इसको कहाँ रखा जाए। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं चीज़ें रखने के लिए। घर में जो सबसे शुद्ध स्थल होता है, सबसे एनर्जाइज स्थल जो होता है पूजा पाठ के लिए, इस टाइप के विग्रह रखने के लिए, वो बताया जाता है या तो
भवन का जो एक सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्म स्थल जो कहलाता है, ब्रह्म स्थल वो निकलता है जैसे मान लीजिए आपका प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया के आप चारों कॉर्नर्स के डायगोनल आप खींच लीजिए और डायगोनल्स का जो उसका डायगोनल्स का जो कट पॉइंट होता है वो लगभग सेंटर पॉइंट हो गया, वहाँ पे ये पोटली आप रख दीजिए, किसी भी तरीके से मैनेज कर लीजिए। कैसे मैनेज करेंगे ये आपके अपने ऊपर है, नंबर एक। नंबर दो, जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं सामान्यतः बताई जाती हैं ईशान कोण में, ईशान कोण मीन्स नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन का जो कोना है वहाँ पे, वो भी आप विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द प्लेस, सेंटर ऑफ द भवन हाउस, उसके रेस्पेक्ट में आप अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। और अगर ये दोनों कोणों में भी कहीं आपको आपत्ति आती है, नहीं मिलते हैं आपको, जो मैं प्रेफर करता हूँ सबसे अच्छा घर का आपका जो एंट्रेंस है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, चाहे वो नॉर्थ है, चाहे साउथ है, चाहे ईस्ट है, चाहे वो कॉर्नर्स हैं, है ना, चाहे दिशा है, चाहे विदिशा है, कोई भी हो, उसमें आप उसके कोने में दरवाजे में कहीं ओट में ये पोटली टांग दीजिए। आप टांगने का मतलब चाहे ऐसे टांग दें कि दृष्ट नहीं हो, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये सौंत सुखाए होती हैं, आपके अपने लिए होती हैं, ये कोई डेमो की चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और बस वहाँ पे आप अपने पूजा पाठ, अपना नियम जो भी आपका है अपना, उसको ध्यान करके, है ना, अपना धूप बत्ती दीप बत्ती वो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा, आपका समय, आपकी आस्था अपना करके, और बस हाथ छोड़ के जो भी इष्ट आपके मिले, नहीं मिले तो इन तीनों में से जो भी आपको मिल जाए अच्छे लगे, और कहीं आपको आभास हो जाए अपने अपने कुलदेवी अपने कुलदेवता का, उनका आवाहन करके, उनकी पूजा करके, उनके पाठ करके, ध्यान करके, ये मान के कि प्रभु रक्षा करना, घर में सुरक्षा देना, है ना, घर में सब खुशहाली रखना, हमारे ऊपर कोई अनर्थ नहीं आए, हमारे ऊपर कोई दुर्भिक्ष नहीं आए, इस कामना से बस नित्य अपना करता रहे। और मान लीजिए कभी जैसे लगे कि पोटली आपकी पुरानी होने लगी, इस पोटली को फिर इन्हीं सामग्री से फ्रेश लेके इसको रिप्लेस कर दीजिए, और पुरानी वाली सामग्री कहीं आप विसर्जित कर दीजिए, जल में कर दीजिए, कहीं पेड़ में छोड़ दीजिए, इतना सा मात्र। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, बाकी फिर इसको जितना एलोबरेट कर ले, कोई अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, मगर अल्टीमेटली चीज़ वही है कि जिसमें आपकी आस्था ठुके, जिसमें आपका मन गवाही दे, और जो आपको लगे, जिसको आप आत्मसात कर लें, वही आपका इष्ट देव है, वही आपकी इष्ट देवी है। बड़ा छोटा सा मैंने एक आपको दिया, इसमें सब चीज़ें आ गई। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।